हमें तो लगा कि इस बार हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अच्छी बातें कर रही हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। जब हम इतने साल से साथ में मना रहे हैं तो इस बार भी साथ में मनाती। सच में आती, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब हम लोग साथ में कुछ कर पाते हैं। धनन्या, अगर वो आती ना तो मैं पूजा ही नहीं कर पाती। और धूप भी बहुत है ना, वो परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपनी दादी के साथ है। जी वाला भी देखो, इसमें भी नक्स के ऊपर कुछ नहीं दिखाई। हमने उसे कितना बोला था पर वो माना ही नहीं। हाँ, जब आएगा ना तो मैं उसे बताऊंगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, जब से दादाजी आए हैं तब से अनन्या का टीवी देखना भी बहुत कम हो गया है। वर्षा है ही नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है, उसने आज अपने बाल भी खोले हुए हैं तो और भी खूबसूरत लग रही है। पिंक एंड येलो कलर का लहंगा पहना है और नेट का लहंगा भी कोई तारीफ नहीं हुई, इसलिए थैंक यू बाद में बोलना। क्योंकि वर्षा ने बहुत अच्छा सा येलो एंड पिंक कलर का लहंगा पहना है और बोर्डा लगाया है, नथ पहनी है और ओवरऑल वो बहुत ही टिपिकल राजस्थानी दुल्हन जैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फाइनली। भगवान के कपड़ों का भी कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या पहनाएंगे उन्हें। चलिए शुरू है, पहली बार साड़ी की चिंता छोड़ के दूसरों की चिंता है, ये तो कोई भी अफसर चिंता से नहीं बात होती है। हाय मैं क्या पहनूं। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि दीदी आज बहुत अच्छी लग रही है। दीदी ने लहंगा बहुत ही ब्रोकेट का है, ये लहंगा बहुत है ना, ब्रोकेट है नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलवेट है नीचे और ये जो कॉम्बिनेशन है इनका, प्लस ये ज्वेलरी हैवी ज्वेलरी पहनी है, जो हमारे जो ये फेस्टिवल है इसमें हम लोग हैवी ज्वेलरी पहनते हैं, जिससे एकदम वो इनहेंस होके आप बहुत ज़्यादा अच्छे एकदम दुल्हन जैसे लगते हो। तो दुल्हन की तरह तैयार होना होता है, पूरे 16 सिंगार करना होता है, जो किया है हमारी नन्ही दीदी ने। रश्मि ने बहुत ही वाइब्रेंट रेड ऑरेंज एंड ब्लू कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना है, वेलवेट ब्लाउज है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग अच्छा लग रहा है, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लग रही है। इसका ये हार देखिए, इस पर कुंदन वर्क है, बहुत अच्छा लग रहा है और उसने साइड पार्टिंग ली है जो अलग से उसके कलर्ड हेयर को एनहांस कर रही है। ओवरऑल शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, शी इज़ लाइक अ डॉल। 5 साल से फेस्टिवल कर रहे हैं, राजस्थानी फेस्टिवल है हमारे ट्रेडिशन में, मारवाड़ीज का ये फेस्टिवल है। हम लोग मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते हैं भगवान की और उसमें अपने हस्बैंड को लाइक विराजमान, ऐसा हम लोग मानते हैं कि हमारे हस्बैंड उसमें हैं, उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करते हैं, तैयार करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद फिर घाट में जाके उसका विसर्जन करने जाते हैं, वहाँ पे भी पूजा होती है। पार्वती जी से मांगते हैं कि हमारे हस्बैंड की लंबी आयु और हमारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहे, खुशहाल रहे। सिर्फ एक चीज़ है जो मैं नहीं कर पाती, बाकी सब कर पाते हैं, लोग घूमर नाचते हैं जो मैं नहीं नाच सकती हूँ। घूमर डांस करते हैं को सबको मिस किया, नैतिक अक्षरा नक्श को सबको हमने, बिकॉज़ फेस्टिवल में दादाजी को भी बहुत मिस किया।